धन्यवाद अध्यक्ष जी। अलका जी बहुत संक्षिप्त में। अध्यक्ष जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। और अध्यक्ष जी 2015 में दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहली सरकार थी जो 67 में से 67 सीटें लेकर आई। बहुत उम्मीदें लोगों की थी लेकिन बहुत दुख के कहना पड़ रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को फुटबॉल की तरह कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाईकोर्ट, कभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपस में ठोकर खाते हुए देखते हुए हमें 3.5 साल लगभग बीत गए। सोचा अभी न्याय मिलेगा दिल्ली के लोगों को, अभी न्याय मिलेगा। हुआ यही कि कोई ना कोई मैटर को लेकर दिल्ली सरकार का अधिकतर समय वो कोर्ट और अदालतों के बीच में आकर हमेशा फंसाने का एक प्रयास किया जाता रहा। हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई को लड़ा, हमारी लड़ाई नहीं थी। दिल्ली की सरकार लगातार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर रही थी, दिल्ली के लोगों को राहत देने का काम कर रही थी और हर बार किसी न किसी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की, हाई कोर्ट में मामला फंसाया। और आपको पता है कोर्ट में न्याय कम होता है, तारीखें ज्यादा मिलती है। और वही हुआ, हम लड़ते रहे और एक बार घटना, एक बार खबर आती है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली की ताकत चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए एलजी के अधीन आती है। बहुत कुछ कहा गया, झटका लगा और देखिए बेनकाब हो गई केजरीवाल सरकार, ये बहाने करती है, इन्हें काम नहीं करने हैं, ये बहुत सुनना पड़ा हमें। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए और अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई की, फैसले को सुरक्षित रखा। हम सिर्फ इंतजार करते रहे, 6 महीने के बाद फैसला आया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। फिर वही दोहराते हैं कि दिल्ली की जमीन, दिल्ली की कानून व्यवस्था, जमीन कानून व्यवस्था और तीसरा सर पुलिस को लेकर, ये 3 मामले सौंपे। लेकिन अभी फिर इन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि सर्विसेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 चीजें साफ की, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और अपना जो है जमीन को, तो उसमें सर्विसेज शब्द नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का सर्विसेज में अधिकार। पर कुछ अधिकारी, मैं नाम लेकर कहूंगी यहां पर, ट्रांसपोर्ट की जो हमारी IAS अधिकारी है, उन्हें ये कतई भी मंजूर नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है। लगता है उनको अखबारों की सुर्खियां बनने में, आज सारी अखबारों की सुर्खियां हैं, उनकी तस्वीर बड़ी बड़ी छपी है। अगर वो बीजेपी की सांसद, लोकसभा की टिकट की उम्मीदवारी कर रही हैं, बहुत चर्चा में रहना चाहती हैं, तो उन्हें मैं कहूंगी सोशल मीडिया से निकली और जनता के बीच में जाइए। IASBT मेरी विधानसभा में बस अड्डा IASBT लगता है, देखिए क्या होता है। सरकारी बसें अंदर खाली खड़ी रहती हैं, घाटे में जाती हैं, 1000 बार लिखकर दे चुके हैं। और प्राइवेट बसें, प्राइवेट माफिया पूरा वहां पर हावी है, वहां पर यात्रियों को दुखी किया जाता है। प्राइवेट बस में उन्हें अंदर जाने से पहले बाहरी टिकट काट के बस में बिठा दिया जाता है और बस अभी चलने वाली है, प्राइवेट बस अभी चलने वाली है, और 4-4, 5-5 घंटे बस नहीं चलती। जो यात्रियों की, गरीबों की टिकट कटी हुई, उन्हें पैसा वापस नहीं मिलता है और अंदर घाटे में जाता है, बाहर यात्रियों को परेशान करके मुनाफा कमाने का जो है एक रास्ता, एक धंधा इन्होंने बना रखा है। पूछना चाहूंगी कितनी बार आपने जिन दलालों की बात करती हैं, आज उनके खिलाफ FIR आप ट्वीट कर रही हैं, उनके चेहरे ट्वीट कर रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कितने ऐसे दलालों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है। हम ये सदन जानना चाहता है कि आपके जब से आप अधिकारी हैं, कितनों को आज जेल भेज चुके हैं। ये सदन को जानकर खुशी होगा कि आप एक ईमानदारी का जो है, ईमानदारी का अपना होने का आप सबूत दे रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम नाम जानना चाहते हैं कि कितने दलालों को आज हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग और सचिव जो है वो जेल भेज चुकी है। वो ये कहती है, ये जो शोर मचा रहा था वहां पर जब बुराड़ी में मुख्यमंत्री ने दौरा किया, वो खुद एक दलाल था, इसकी तो एंट्री ही बंद थी, वो आपकी पोल खोल रहा था, वो आपको बेनकाब कर रहा था, इसलिए आपने उसको दलाल कर कह दिया कि वो तो खुद दलाल था, उसकी तो एंट्री बंद है, वो अंदर कैसे आ गया, वो आपकी पोल खोल रहा था। आपकी जो शिकायत है पुलिस के पास वो 2016 की है। वर्षा जी से पूछना चाहूंगी, IAS अधिकारी हैं, 2016 की उस दलाल के खिलाफ आपकी FIR है, पूछना चाहूंगी क्या पुलिस के पास आपने पूछा क्यों चार्जशीट नहीं हुई, क्यों वो आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, क्यों वो जेल में नहीं गया। अध्यक्ष जी नहीं, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी। मैंने खुद रेड किया IASBT पर जाकर,
बकायदा आज भी आप चले जाइए, अभी इस समय बात कर रही हूं, किसी को भी भेज दीजिए। सारे दलाल खुलकर बैठे हुए हैं, अपने काउंटर आईएसबीटी के अंदर लगाकर बैठे हुए हैं। मंत्री जी को कहा, मंत्री जी को जब बोलते हैं तुरंत उस दिन कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि विधायक का दफ्तर दीवार से लगा हुआ है। और आज जब सर्विस का मैटर होता है, सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में वो आगे होती है, सबसे ज्यादा ट्विटर पे वो एक्टिव होती है। आपको अगर हमसे यूं लड़ना है तो मैं कहूंगी 2019 आ गया है, चुनाव में आ जाइए आप। लेकिन जनता ने हमें चुना है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, और आपको जनता ने सरकार के प्रति जवाबदेही बनाया है कि जिस सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है, जिन विधायकों को जवाब देना पड़ता है, आप अधिकारी उस सरकार, उनके मंत्रियों के प्रति, इस सदन के प्रति जवाबदेही से कतई भी बच नहीं सकते हैं अध्यक्ष जी। ये बात साफ उन्हें समझ आ जानी चाहिए, हर अधिकारियों को। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट का आया कि सर्विसेज दिल्ली के पास है, तुरंत भाजपा पहली पार्टी थी जिसने कहा नहीं नहीं, अरुण जेटली साहब ने ट्वीट लिखा, सबसे पहले ब्लॉग लिख दिया अपने आप साबित करने की कि सर्विसेज का शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। नहीं किया तो ये साफ कर दिया कि जमीन, कानून व्यवस्था, पुलिस एलजी के पास है, बाकी सब हमारे पास है। लेकिन उस ग्रे लाइन का, एक शब्द का जो इस्तेमाल ना यहां किया गया ना वहां किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई चल रही है। पर मैं एक बार फिर कहूंगी, दिल्ली से हल्के में नहीं लेगी। अधिकारियों के कंधों पर जो है जिस तरीके की राजनीति भाजपा की केंद्र सरकार खेल रही है, और मुझे बहुत लगता है कि अभी भी ये केंद्र सरकार को इसलिए खुश करने में है क्योंकि इन्हें मालूम है आज की डेट में चाहे जबरदस्ती हो चाहे कैसे भी हो, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन और भ्रष्टाचार के आरोपों की बहुत सी कमेटियां सुनवाई कर रही हैं। इन्हें बचाने का काम अगर कोई कर सकता है तो अब इन्हें इनके आका जो केंद्र में बैठे हैं वही बचा सकते हैं। इसलिए किसी तरह भी अभी तक इनके प्रयास है कि ये सर्विसेज का मैटर को उलझाया जा सके। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगी अध्यक्ष जी, हमारी हाई कोर्ट में के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट को बधाई देती हूं कि एक पल 3.5 साल के संघर्ष में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंतिम 1.5 साल में भी हिम्मत नहीं हारे, लोगों की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट में भी सर्विसेज का मामला हम जीतेंगे नहीं, अधिकारियों के साथ साथ जो आज केंद्र के हाथों कठपुतली बनकर खेल रहे हैं सभी बेनकाब होंगे और केंद्र की सरकार भी एक बार फिर दोबारा बेनकाब होगी। जय हिंद।